सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो रिसेंटली मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि इंस्टाग्राम पे बहुत आ रहे थे, मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत लोग पूछ रहे थे। ये स्पेसिफिकली वीडियो होने वाली है कॉलेज में जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो होने वाली है। उनका डाउट था कि भैया आप मीटअप्स, इवेंट्स और वेबिनार्स के बारे में कैसे पता कर सकते हो, मतलब आप बैंगलोर में हो, कॉलेज में हो, बट आपको कैसे इतने सारे इवेंट्स कर में इतनी जल्दी पता चलता है। हमें पता भी नहीं चलता, जब आप स्टोरी डाल देता हूँ हमें पता चल रहा है, जब आप कुछ बता रहे हो तब हमें पता चल रहा है, उससे पहले कैसे पता करें। तो ये बहुत सारे मेरे पास डाउट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग DM कर रहे थे इवेंट्स के बारे में, हमें भी बताया करो कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अगर बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में हो तो इवेंट्स का पता कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे बना सकते हो, और इवेंट्स के अलावा कि इवेंट्स होने से पहले 10 दिन या 20 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन निकलता है उसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कहाँ से पता चलता है ये चीज़। जैसे कि लास्ट टाइम मैं वरुण माया से मिला था, शशांक उपाध्याय सर से मिला था, उससे पहले मैं तन्मय भट्ट जी से मिला था सोलाना एकर हाउस में, उससे पहले मैं ईशान शर्मा, आयुष वाधवा, आयुष शुक्ला, रिसेंटली मैं अमन दत्तरवाल और वेदांत रस्ती जी से भी मिला था। तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर से कैसे मिल लेते हो और फाउंडर से कैसे मिल पाते हो, तो आज हम इसी क्वेश्चन को रिवील करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका, अगर आपको किसी इवेंट और वेबिनार्स के बारे में पता करना है, मीटअप्स के बारे में पता करना है अपने शहर में हो रहे हैं, तो सबसे पहले ट्विटर ज्वाइन कर लो। ये थोड़ा अंडररेटेड है बट मेरे को लगता है ट्विटर पे सबसे पहली चीज वो आती है कि ट्विटर पे पता चल जाता है कि कोई भी बंदा ये वेबिनार करवा रहा है, कोई मीटअप ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्विटर पे ना वो चीज़, ट्विटर पे ना सब जेन्युइन बंदे हैं और जितने भी सही बंदे हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, वो वहाँ पे ट्विटर पे रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले ट्विटर पे आता है, फिर इंस्टाग्राम, फिर फैलती है चीज़, ठीक है। तो ट्विटर पे आ जाओ, क्योंकि मेरा अकाउंट भी ट्विटर पे, मैंने कुछ 6-7 महीने पहले ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया था और मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता चली। सोलाना एकर हाउस के बारे में मेरे को वहाँ पे पता चला था, नमस्ते NFT के बारे में पता चला था, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में सोलाना से ही पता चला था, मतलब सोलाना हुआ, उसका नमस्ते NFT हुआ, फिर वरुण माया का मीटअप हुआ। तो बहुत सारे जितने मीटअप्स हैं या गैदरिंग्स हैं वो आपको ट्विटर पे पहले पता चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले पोस्ट होता है, बाद में फिर वो क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो ट्विटर पे आ जाओ और आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे इवेंट्स कर में डालता रहता हूँ। आप बहुत सारे जो बंदे उनको फॉलो कर सकते हो, वरुण माया हो गया, ईशान शर्मा हो गए, या आयुष शुक्ला हो गए, आयुष वाधवा हो गए, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो, वो वहाँ पे डालते रहते हैं कि कौन कौन से मीटअप्स होने वाले हैं या कौन से मीटअप्स अभी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी वेब3 की कंपनियां, सोलाना हो गई आपकी, जितनी भी कंपनीज है, पॉलीगॉन हो गई, जो भी इंडिया में है, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, अपने मीटअप सकती हैं। तो सेकंड तरीका है कि आपके कनेक्शंस होने चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही जितने भी अपने कॉलेज में, तो मेरे कनेक्शंस थे ही, मेरे दोस्त लोग थे, बट अगर आप बैंगलोर के किसी कॉलेज में हो, सपोज करो BMS में हो, MS RIT किसी भी कॉलेज में हो, या बॉम्बे के किसी कॉलेज में हो, दिल्ली के किसी कॉलेज में हो, तो दिल्ली में अपने कॉलेज में मत रहो, अपने आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं ना उनमें अपना नेटवर्क बना लो। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, बैंगलोर में MS RIT में हूँ, तो मेरा BMS में भी नेटवर्क है, RV में मेरे बहुत सारे जान पहचान के दोस्त हैं, BMS IT में बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, CMR IT में ले लो, नीति मीनाक्षी में ले लो। तो ऐसे ना आप अपने नेटवर्क बना लो, ताकि अगर कोई भी इवेंट चल रहा है बैंगलोर में, वो एक दूसरे को सर्कुलेट कर देते हैं। तो जैसे कि RV में कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे मेरे को पता चला, अच्छा RV में इवेंट होने वाला है, BMS में कोई इवेंट हो रहा है तो मेरे को पता चला BMS में कोई इवेंट होने वाला है, या BMS का कोई बच्चा किसी बैंगलोर के पर्टिकुलर इवेंट में जा रहा है तो वो मेरे को बता रहा है अरे भाई ये इवेंट हो रहा है। तो अपना नेटवर्क बना लो। अब ये पूछोगे नेटवर्क कैसे बनाओ, तो ये भाई सीधी सी बात है, या तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के, स्पेशली बैंगलोर के जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं वो वहाँ पे हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और सिटी से हो तो दूसरे कॉलेजेस में फिजिकली जाके विजिट करो और उनसे मिलो जुलो, बात करो यार। अपने कॉलेजेस में आप नेटवर्क जल्दी बना लोगे, अपने दोस्तों के थ्रू बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, बट दूसरे कॉलेजेस के अगर आपके बच्चों के कॉन्टैक्ट होंगे तो आपको इवेंट्स कर रहे हैं बहुत जल्दी से पता चलेगा शहर में, क्योंकि वो भी घूम रहे होंगे, आप भी घूम रहे होंगे, तो जल्दी से पता चलेगा उस इवेंट के बारे में कि उस पर्टिकुलर इवेंट कब हो रहा है, टाइमिंग वाइमिंग क्या है शहर में, क्योंकि आप सारा दिन नज़र नहीं रख सकते कब आने वाला, कब जाने वाला इवेंट। तो इसलिए आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्किंग आप आराम से कर सकते हो, LinkedIn के थ्रू कर सकते हो, Instagram पे मैसेज कर सकते हो, या बहुत सारे कॉलेजेस का नाम डाल दो Instagram पे और वहाँ पे उन बच्चों की प्रोफाइल निकाल के उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
तीसरा जो मेरे को बहुत जेन्युइन तरीका लगता है और आसानी से हमें समझ में आ जाता है वो है इंस्टाग्राम पे उन क्रिएटर्स, उन फाउंडर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना। जैसे आप उनको फॉलो करते हो तो वो अपने बारे में डाल देते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि अगर निखिल RVC जा रहा है या कहीं और किसी इवेंट में आ रहा है तो पहले डाल देता है, मैं पहले ही डाल देता हूँ 1-2 घंटा पहले इवेंट से कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, या कोई और भी 3-4 जहाँ पे भी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक छोटा सा मीटअप डाल देता हूँ कि मैं ये डाल देता हूँ कि गाइस मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, वो सब मैं शूट करके डाल देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। ऐसे ही कई सारे क्रिएटर्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी पे ये चीज़ें डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वरुण माया सर का जो इवेंट हुआ था वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आया था और एक ही स्टोरी आई थी उनकी, और जितने जितनी जल्दी रजिस्टर कर दिया उनका हो गया था। तो ऐसे में उनसे मिलने का मौका मिला, तो आप ना इन क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, जितने भी उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं ना उन पे वहाँ पे फॉलो करो। ईशान शर्मा हो गए आपके, आयुष वाधवा हो गए, आयुष शुक्ला, तो ये डालते रहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में डालते रहते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा और ऐसे आपका वहाँ से सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ तरीका जो हमेशा काम आता है, अगर आपका ट्विटर नहीं समझ में आ रहा, आपको फिजिकल मतलब कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा किसी और बंदे से, या आपका इंस्टाग्राम पे भी नहीं समझ में आता भाई क्रिएटर एंड मोमेंट पे डाल रहा है जब वो इवेंट स्टार्ट हुआ, कब रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब नहीं डाला, तो ये जो तरीका है ये मेरी बहुत हेल्प करता है। इनिशियली मैं इसी तरीके से ही मैंने कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते थे, आफ्टरवर्ड मेरे को बाद में आसानी हो गई थी इवेंट पता करने में, जो भी होते थे मेरे को जल्दी पता चल जाते थे। ये चौथा तरीका है कि आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लो इवेंट्स इन बैंगलोर, इवेंट्स इन बॉम्बे, इवेंट्स इन दिल्ली, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो गूगल पे आ जाएंगे, लिटरली गूगल पे आ जाएंगे, कंपनीज के आ जाएगा कि इस कंपनी ने ये इवेंट निकाला है, ये इवेंट निकाला है, या मीटअप्स करके होता है एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि ये इवेंट होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, पहले आप छोटे इवेंट अटेंड करते हो, वहाँ से कनेक्शन बनने के बाद जो उस पर्टिकुलर एक या दो इवेंट में ना आपके कनेक्शन बन गए ना, वही कनेक्शन आपको ना और इवेंट्स का बताएंगे, और वही इवेंट्स आप ऐसे ऐसे करते करते ना बहुत सारे आपके कनेक्शंस बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पहले आप एक या दो इवेंट स्टार्ट तो करो अटेंड करना, जैसे जैसे आप इवेंट अटेंड करते जाओगे ना आपके कनेक्शन और आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपको हर एक इवेंट, हर एक वेबिनार, हर एक मीटअप के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा अपने शहर में। तो ईजिली बस सिंपल तरीका, गूगल खोलो, डालो इवेंट्स इन बैंगलोर, इवेंट्स इन बॉम्बे, इवेंट्स इन दिल्ली, या किसी भी शहर में हो वहाँ पे डालो और अपने आप आपको इनके बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में, 4 हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस करा। सबसे पहले आप ट्विटर पे आ जाओ, दूसरा कनेक्शन बनाओ अपने कॉलेज के अंदर तो है ही, बाकी सारे जो आपके उस शहर में जो कॉलेजेस है ना उन सारे कॉलेजेस में एक या दो बंदे आपके कनेक्शन में हों बहुत अच्छे, उनको पता होना चाहिए, तो ऐसे अपने कनेक्शन वहाँ पे बिल्ड करो उस शहर के अंदर। तीसरा इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फाउंडर्स को जितना हो सके उतना फॉलो करो, अपनी फीड को अच्छी करो। चौथा जो सबसे जेन्युइन तरीका और जो हमेशा चलता है, जस्ट सर्च ऑन गूगल या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे सर्च करो, हैशटैग वहाँ पे ट्विटर चलता है तो ट्विटर पे हैशटैग करके मीटअप्स इवेंट्स कर में सर्च करना स्टार्ट करो, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डायरेक्टली सर्च करो यार, कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, बस डालो इवेंट्स इन बैंगलोर, इवेंट्स इन दिल्ली, इवेंट्स इन बॉम्बे, धीरे धीरे इवेंट्स स्टार्ट आप अटेंड करोगे, वहीं से कनेक्शन बनेंगे, वहीं से कम्युनिटी बनेंगे, और इस तरह आप बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थी, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम टाइम से मैं मतलब बहुत टाइम हो गया था कि मैं मटेरियल नहीं ला रहा था, अब जो कंटेंट आने वाला है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स को मेरे को हेल्प करनी है कैसे वो अपना फर्स्ट ईयर से ही एक होती है ना ग्रोथ अपनी देख सकें, एक ग्रोथ उस मामले में कि स्किल्स के मामले में, दूसरा कनेक्शंस के मामले में, जिससे ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो पाए। तो इसलिए यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में।